जी। What a surprise! हाँ। आज बड़ी जल्दी आ गई। हाँ। लेकिन लज्जी तू बड़ी देर से आई है। अरे देख यार तू घर जल्दी आया कर, मैं तेरा कोई बॉयफ्रेंड है ना किसी के साथ रोमांस चल रहा है, तू इतनी देर तक तू कहाँ रहती है? तू मेरी इतनी फिक्र मत किया कर। मैं तेरी फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अरे लज्जी ये बंबई शहर है, यहाँ अंधेरा होते ही अमीर बाप के लौंडे खुले सांड की तरह सड़कों पर निकलते हैं। मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, मुझे इस शहर के बारे में सब कुछ पता है। बंबई शहर की सड़कों की खुदाई ब्लडी बुलशिट। नमो। जब भी मैं कोई अच्छी बात करने वाली होती हूँ ना तू मुझे हमेशा रोक देती है। नमो, तू लड़की है और लड़की के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अरे छोड़ ना यार, तू बहुत थक गई होगी ना, चल मैं तेरे लिए कप चाय बनाती हूँ। ओके कम ऑन लेट्स गो। लज्जी मेरे लिए एक सैंडविच बना देना। ओके। और हाँ मक्खन कम लगाना प्लीज। तू भी चाय में कम शक्कर डालना। यस मैम। ओ हाँ मुझे याद आया, आज बीकानेर से तेरे बाबूजी का फोन आया था। क्या कह रहे थे बाबूजी, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बस पूछ रहे थे कि तू कैसी है, तो मैंने कहा बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए वो एकदम ठीक है। बाबूजी को मेरी बहुत चिंता लगी रहती है, मैंने उनसे कितनी बार कहा कि मेरी चिंता ना करें, यूं समझे कि मैं बॉम्बे में अपनी सहेली के घर नहीं अपने बहन के पास हूँ। सचमुच नमो तेरे साथ रहते रहते 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इस शहर में अगर तू मेरा साथ ना देती ना तो न जाने क्या हो जाता। प्लीज प्लीज मूड ना। फिर वही सॉरी सॉरी सॉरी। किसका फोन है? हेलो विकी कहाँ हो तुम? हाँ और देर होगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि 9 बजे तक पहुंच जाना। क्या हाँ मुझे ये सब मत बताओ, कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो? नमो आई एम सॉरी नमो, मुझे बहुत ही काम है। ओ नेहा पहली बार बॉम्बे आई है। नेहा आई है? तुम नेहा के साथ थे तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है, उसके साथ ही घूमते फिरते क्यों नहीं रहते? जस्ट शट अप एंड गो टू हेल। नमो ये वक्त है घबराने का, हाँ क्या समझती आप लोगों को? बैगन का भरता। भैया जी लीजिए लीजिए भैया जी। भैया जी तोलिए। जी जी बीबी जी। भैया जी ये गाजर कैसे हैं? ले लीजिए बीबी जी, ये आप ही के तो हैं। ओ लेकिन ये तो बहुत नरम है। क्या बात कर रही हैं बीबी जी, ये तो बिल्कुल ताजे हैं, ताजे हैं। ताजे? हाँ। लेकिन ताजे तो एकदम सख्त होते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ कड़क, और कड़क का मजा कुछ और ही होता है। यकीन आए तो अपनी घरवाली से पूछ लीजिए ना। बीबी जी ऐसी बात कर देती है ना, कसम से हम तो शर्मिंदा हो जाते हैं। अरे इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है, अब आप मुझे बताइए कि आप कब से कर रहे हैं? क्या मेरा मतलब है ये धंधा, ये तरकारी का काम। 20 साल हो गए बीबी जी। और 20 सालों में आपको ये पता नहीं चला कि नरम अच्छा होता है या कड़क? बीबी जी तो हमारी बोलती बंद कर देती हैं। कसम से काटो तो खून नहीं रहता। अरे कमाल है, अब आज रात आप अपनी बीवी के साथ। भैया जी गाजर 2 किलो तोल दो और गाड़ी में रख दो, ठीक है? बीबी जी चल कुछ भी बोलती रहती है। बाय। चल ना।
गैर मर्दों से इस तरह की बातें की जाती है? देखा नहीं वो बेचारा कैसा शर्मा रहा था। अरे वो तो है ही बड़ा बेशरम। देखा नहीं कैसे कह रहा था, ले जाइए आती क्या तो है। अरे कितनी बार मैंने नोट किया है कि जब भी मैं उसे तरकारी लेने आती हूँ ना, वो ऊपर से नीचे तक मुझे घूरता रहता है। आज तो मैंने साले की बोलती बंद कर दी। ब्लडी रेच। तू नहीं सुधरेगी। चल चल। एलजी क्या करिए तू, छोड़ ना, यहाँ मेरे पास आ। Hey guys, I want you to meet someone really special. This is my best friend, meri saheli Lajji. Lajji, this is Max, this is Tina, and that is Bob. Hi. Hi. Hey Bob, will you drink something? Chill beer, Pepsi, whiskey, champagne. I'll have beer. Beer? Yeah. Hey waiter, one chill beer here, please. Excuse me, please. Yeah, sure. But how come you don't... I don't see you these days at parties and things. Look out, what are you doing? The napkins or plates wahan rakh do, okay? Oh, I'm sorry. Excuse me. Yes? Can I have a beer, please? Sure. Please. Thank you. Please. Yes. You're beautiful. You really are fascinating. You make a wonderful model. Aap ek khoobsurat model ban sakte. Would you like to consider that? I'm sorry. I'm not interested. Khabardar. जो दोबारा उसकी तरफ आंख उठाकर देखा, डोंट यू एवर लुक एट हर अगेन, डू यू अंडरस्टैंड मी, डू यू? ओके, नाउ गो एंड एंजॉय द पार्टी, ओके? थैंक्स, ओके, ओके, या, ओके। हाय मनीष। हाय नमो। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हे लुकिंग सो क्यूट। ओह कम ऑन। तुझे मालूम है अच्छी सेम ड्रेस मैंने अभी अभी काजोल के लिए डिजाइन की है। Really? And she's looking so not as cute as you are. You liar. Hey, where's the birthday boy? He'll come shortly. Okay, मैं अपने हाथों से डिजाइन करके उसके लिए ये सूट लाया हूँ। How sweet of you. Oh, excuse me. Hello, Vicky. कहाँ हो तुम Vicky? हाँ? सब लोग आ गए हैं पूछ रहे कि तुम कहाँ हो। देखो अगर तुम 15 मिनट में यहाँ नहीं पहुँचे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कह देती हूँ। हाँ बाय। Relax Namo, Vicky will be here. Why don't we play some music and carry on with the party? Yeah. Let's have some music. हेलो, यस विकी, अरे कहाँ हो तुम? हाँ, अरे मैंने पार्टी तुम्हारे लिए दी है, सब पूछ रहे तुम कहाँ हो? 2 घंटे और लगेंगे, आर यू मैड? क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, मुझे और नहीं सुनना है। नो, चल अब गो। I'm sorry, guys. Please go. The party's over. कहाँ थे तुम इतनी देर कर दी? तुम्हारे लिए उसने पार्टी दी थी और तुम अब आ रहे हो? I'm sorry, लज्जी, मैं क्या करूं, मैं फंस गया था।
गाड़ी खराब हो गई थी। पता है गुस्से में उसने पार्टी बंद कर दी और सारे लोग चले गए, और तब से देखो मैं संभालता हूं। लजी ऐसा करो तुम जाओ आराम करो। ओके ओके तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस घर के अंदर आने की? नमो मेरी बात तो सुनो। डोंट टच मी। ये क्या कोई कोटा है कि जब तुम चाहे चले आओगे? तुमने मेरा इस्तेमाल किया है अपने करियर को बनाने के लिए, और आज जब तुम बड़े स्टार हो गए तब तुम्हारी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं रह गई। नमो रिलैक्स। आज तुम्हारी वजह से इस पार्टी में मैं जलील हुई हूँ। अब बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। गेट आउट। नमो गेट आउट। गेट आउट। आई सेड जस्ट गेट आउट। आई एम सॉरी नमो। मुझे और कुछ नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। गेट आउट। जस्ट नमो। डोंट टॉक टू मी एनीमोर। नमो प्लीज नमो। नमो गेट आउट माय हाउस एंड गेट आउट माय लाइफ। नमो प्लीज। सब लोग देख रहे हैं। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। पर यू जस्ट गेट आउट। गेट आउट। क्या देख रहे हैं आप? तमाशा चल रहा है यहाँ। जाइए जाइए अपने घर। स्टूपिड इडियट्स ऑल ऑफ यू। शर्म भी नहीं आती। पानी क्या समझती है अपने आप को? नंगा घर से बाहर निकाल दिया। आएगी आएगी मुझे लेने। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अच्छा लगता है रोज रोज के झगड़े। लोग तमाशा देखते हैं। क्या सोचते होंगे आस पड़ोस वाले? नमो जब तुम्हारी और विक्की की आपस में नहीं बनती तो अलग क्यों नहीं हो जाते तुम लोग? यही तो मैं नहीं कर सकती। Why? क्यों नहीं कर सकती? तू नहीं समझेगी। तूने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना? नमो अगर इसे प्यार कहते हैं तो शायद मैं कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगी। अच्छा तो यही है कि अपने माँ बाप की पसंद से शादी कर लूं और फिर पति के साथ ही प्यार करूं, उसे ही सारा प्यार दूं जो हमेशा अपना बनकर रहे। I'm really sorry, yeah. चलो चलो। रात में मार दिन में प्यार। सॉरी बाबा, लेकिन तुम ही तो मुझे कितना तंग करते हो, है ना? इसीलिए तो कहता हूँ मुझसे शादी कर लो। शाम होते ही सीधा घर, यू नो
Responsibility? Stop it. क्या हुआ? मैं जब भी तुमसे शादी की बात करता हूँ, या तो तुम चुप हो जाती हो, या फिर बात पलट देती हो। देखो विकी, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, अब शादी के लिए बचा ही क्या है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि I don't believe in शादी, लेकिन तुम बार-बार शादी के बारे में बात करते हो। It's a... तुम्हें कन्विंस करना मेरे बस की बात नहीं। अच्छा, तुम्हारा मतलब है? नमो, एक बात कहूं नमो, ये तुम्हारे मेरे बीच में जो रिश्ता है, इस रिश्ते से मैं बिल्कुल खुश नहीं। Oh, I see. तुम्हें मैं एक पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। गर्लफ्रेंड की मार खाने से तो अच्छा यही है कि आदमी बीवी की मार खाए। Shut up, Vicky. Stop it. तुम हमेशा हर बात को मजाक में उड़ा देते। फिर शुरू हो गए? अरे शाम तो हो जाने दो प्लीज यार। तुम दोनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बंद कर दो ये लड़ाई झगड़ा। तुम हमेशा मुझे क्यों टोकती हो? इससे कहो ना। तुम दोनों नहीं सुधरोगे। चल बाय बाय। अरे हाँ, वो शाम को आते आते चाय के नए कप्स लेकर आऊं? नहीं है ना? मुझे लगता नहीं ये शाम तक रहेंगे। यू कम हियर एंड शो यू। चला पुड़े सरका लानी पुड़े सरका। हाँ टिकेट। अरे लौकर कर बाबा लौकर कर, चल खोटी करो उनको लोकांची टाइम। देखिए मैं रोज इस बस में आता जाता हूँ और रोज टिकट भी खरीदता हूँ, आज एक दिन नहीं लिया तो चलेगा नहीं क्या? मजाक नहीं, पैसा निकालो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आज मैं दूसरी पैंट पहन कर आ गया, 10 रुपए उस पैंट में रह गए, कल चुका दूंगा ना आपके पैसे। ये क्या बनिया की दुकान समझा है क्या? सरकारी बस है ये। अरे सरकारी बस है इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ। अब देखो हमारे देश के कुछ मंत्री देश का कितना पैसा खा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते, और मैं तो सिर्फ उधार सफर कर रहा हूँ, वो भी परमिशन मांग कर। 5 रुपए की तो बात है, चुका दूंगा मैं आपको। हार नाटक झाली तुझी। प्लीज 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 कंडक्टर साहब चल उतर। चल ये भाई, पैसा देना है तो दे, नहीं तो उतर। ओ भाई टाइम खोटी मत कर यार। अरे पैसा नहीं तो बस में चढ़ते काय के लिए। चलो कंडक्टर साहब, ये इनकी टिकट के पैसे। थैंक यू। वो क्या हुआ कि कल वाली पैंट में पैसे रह गए? कल मैं दे दूंगा आपको। थैंक्स अ लॉट। कल मैं लौटा दूंगा मैं आपके कल पैसे। That's wonderful. You know, you're well seated. That's very nice. Look closer. A bit closer. That's it. Nice one. Okay. Namo. Great. Love. You're through. Thanks. Okay. See ya. Okay. Bye. Lovely. Bye. Hi. Okay, Mac. You come a bit closer, Mac and Vicky. Vicky, yeah. Don't close your legs. Yeah. That's fine. You just. तो बताओ कैसा रहा तेरा दिन? ऐसे क्या देख रही है मुझे? हाँ. आज दुल्हन के लिबास में तू कितनी सुंदर लग रही है। मेरा तो दिल कर रहा है अभी इसी वक्त पंडित जी को बुलाकर तुम दोनों की शादी करा दूं। छोड़ ना यार लज्जी, कितनी बार तुझसे कहा है कि मुझे शादी से। आखिर शादी से तू हर वक्त इनकार क्यों करती है नमो? ऐसी कौन सी मजबूरी है तेरी? ऐसी कौन सी चीज की कमी है तेरे पास? तू बहुत खुशनसीब है लज्जी, तुझे तेरे माँ बाप दादी माँ भाई बहन से कितना प्यार मिला, और एक मैं हूं, मुझे मेरे मां बाप। हेलो। हाँ बाबूजी। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ लज्जी तो मेरे सामने ही बैठी है। हाँ एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ बाबूजी का फोन है। हेलो। हाँ बाबूजी, मैं लज्जी बोल रही हूँ। क्या मैं बीकानेर आऊं? कल के कल? क्या बात है बाबूजी, बताइए ना क्या बात है? दादी माँ तो ठीक है ना? अच्छा हाँ, मैं कल ही रवाना हो जाऊंगी। छोटू, दादी माँ कहाँ है? छोटू की आएगी बारात, मगन मैं नाचूंगी। मेरी लाड़ो की आएगी बारात, मगन मैं नाचूंगी।
मगन में नाचूंगी, मेरे लाड़ों की आएगी बारात मगन में नाचूंगी। दादी माँ, दादी माँ देखो ना लज्जी। दादी माँ, लज्जी। दादी माँ, दादी माँ। मेरी लाड़ो, मेरी रानी, मेरी बेटी, कैसी है तू? तुम ठीक तो हो ना दादी माँ? मुझे क्या हुआ है, मैं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं। मैं अपनी लज्जी की शादी में नाचूंगी, गाऊंगी, डोली चढ़ा करके तुझे विदा करूंगी, फिर अपने कुंवर जी के कंधे पे चढ़ के चारों धाम के तीर्थ करूंगी, फिर जाऊंगी हूँ। बाबूजी ने तो मुझे डरा ही दिया था। उसकी बात मत मान, वो तो मूर्ख है, जिन जिन बच्चों का बाप हो गया बुद्धि जरा भी नहीं आई। बाबूजी क्या आप भी और तुम दोनों कोई बात करने को तैयार नहीं हा? लज्जी मेरी बच्ची। कैसी है तू? ले प्रसाद का, कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए। अरे ऐसे घूर के नजर मत लगा मेरी लाड़ो को, लड़के वाले देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। हाँ क्या? हाँ बेटी तेरी दादी जी ठीक कह रही हैं, बहुत अच्छा घर है, जोधपुर में कुंवर जी का कंप्यूटर का धंधा है। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आप सबका स्वागत है। नमस्ते। आइए आओ, ये मेरी माँ है। नमस्ते माँ। नमस्ते। मेरी पत्नी। नमस्ते। माँ ये हमारे होने वाले समधी और समधन। नमस्ते। नमस्ते। और माँ ये लज्जी की ननद और नंदोई। नमस्ते। नमस्ते जी। और ये है देवधर, लज्जी के होने वाले पति। बेटा माँ जी के पैर छुओ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बैठो बैठो बैठो। आइए बैठिए, आइए बैठ। देवधर बेटे जी, कितनी जमात पढ़े हो? जी बीकॉम पास किया हूँ, पर अभी कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूँ। क्या कंपाउंडर? अच्छा अच्छा, डॉक्टर के हाथ के नीचे हो? नहीं नहीं दादी माँ, वो कंपाउंडर नहीं माँ, कंप्यूटर आप नहीं समझेंगे। न जाने आजकल अंग्रेजी स्कूल वाले बच्चों को क्या क्या सिखा रहे हैं, हमारे जमाने में तो सब कुछ नहीं था। अरे भाभी जी, अब वहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, अब आप हमारी पार्टी की हैं, हमारे पास आके बैठिए। क्यों माँ, है ना? जा बेटी, वहाँ जाके बैठ जा। अभी आओ बेटी। अरे बेटी इधर तो देख, मैं भी तो देखूं। अरे भाभी आपके बाल तो बहुत ही खूबसूरत हैं। क्यों नहीं, जरा पैर तो दिखाना। हमें जो देखना था भाई हमने तो देख लिया, तू भी कुछ पूछना चाहे तो पूछकर अपनी तसल्ली लेकर ले। लज्जी बेटी तू भी कुछ बात कर, वरना ये लोग समझेंगे हमने उन्हें गूंगी लड़की ब्याह दी। हाँ बेटी, अगर तुम्हें भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। लेकिन मन ने पूछना है भाई, ये मिठाई हम खुद खाएं या आप लोग हमें खिलाएंगे? अरे भाई पूछताछ उस समय की जाती है जब मन में कोई शंका होती है। अठे तो सब कुछ साफ ही साफ है, तो भाया एक दूसरे को मिठाई खिलाओ, शादी की तारीख पक्की करो और मन्ने भी मिठाई खाने दो। तुम तो गले मिलो, मिलो। आइए संधि जी आइए, मिठाई हो। We'll be right back.
बाबूजी, बाबूजी, माँ ये है नम्रता। जीती रहो बेटी। जीती रहो बेटी। बाबूजी ये सब हमारे दोस्त हैं। ये है बॉब। नमस्ते। नमस्ते। ये मनीष। हेलो अंकल। हेलो नहीं, नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये मैक। हेलो, ओह सॉरी, नमस्ते। नमस्ते। ये टीना। नमस्ते। और वो सुजी। नमस्ते। नमस्ते। बेटी लज्जी, तेरे मेहमान बंबई से आ गए हैं। हाँ दादी माँ, ये है नम्रता। नमस्ते दादी माँ। तू है नम्रता। कितनी बार तेरा नाम सुन चुकी हूँ। उठते बैठते सोते जागते लज्जी तेरा ही नाम लेती रहती है। और बेटी ये सब। हाँ हम सब एक साथ काम करते हैं दादी माँ। ये आपके लिए दादी माँ। मेरे लिए। और ये है, ये है जैसे के लिए। कैसा लगा रंग? बहुत अच्छा है ना। और दीदी मेरे लिए कुछ नहीं? ओफो, वो तो मैं भूल ही गई। तुम्हें कैसे भूल सकूं? ये है तुम्हारे लिए। और माँ जी ये आपके लिए और बाबूजी के लिए। अरे बेटी मेरे लिए। और हाँ ये लज्जी के लिए शादी का जोड़ा देखिए, और उसके साथ ये मैचिंग ज्वेलरी सेट। ये लज्जी पर अच्छी लगेगी ना माँ जी? बेटी देखिए ना, ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी हा? ये सब तो माँ बाप का फर्ज होता है, और माँ बाप के बाद बड़ी बेटी का फर्ज होता है ना माँ जी? मैं आपकी सगी बेटी नहीं तो क्या हुआ? लज्जी मेरी बहन से कम थोड़ी है। और हाँ एक लज्जी है, चीटर, बेईमान कहीं की, मुझे छोड़कर जा रही है। बाबूजी उसकी शादी होने के बाद मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करूंगी। और मैं क्या, मैं अकेली नहीं हो जाऊंगी? बेईमान तो तू है जो शादी होते ही बॉम्बे जा रही है। अगर तुझे मुझसे जरा भी मोहब्बत होती ना तो तू कुछ दिन रुक कर जाती। अरे बाबा क्या करूं, मुझे शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड जाना है। जब शूटिंग खत्म हो जाएगी ना तो जल्दी से तेरे पास वापस आ जाऊंगी। ओके, अब नाराज मत होना। Okay.
बोतल मांगी थी तूने, चल निकाल अब तेरी बारी है चल। लेकिन अशोक आज मेरे यार वो छाड़ी यार, अभी तो सिर्फ 4 बजे है, अभी तो बहुत समय बाकी है। चल बोतल निकाल बोतल, और आज तुझे भी पीनी पड़ेगी। मुझे पीनी पड़ेगी हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं कहीं और चल रहे। ओ साड़ो वो क्या प्लानिंग चल रही है? कुछ नहीं जीजा जी, कुछ भी नहीं। हाँ कुछ नहीं जीजा जी, हम तो वैसे ही पूछ रहे थे कि मिठाइयाँ कौन सी दुकान से मंगाई है। मिठाइयाँ भाई मन तो कुछ और लग रहा है। अरे साड़ू कोई शरारत वरारत की प्लानिंग तो नहीं है? नहीं जीजा जी, नहीं नहीं क्या बात है। अरे फिर अटक गए, अंदर मिठाइयाँ खत्म हो गई है, बाजार जाना है कि नहीं? आया आया आया। साड़ू कोई शरारत वरारत की प्लानिंग हो ना तो मन्ने छोड़ के भागना नहीं, मैं अभी आया बाजार से। अरे इससे पहले तेरा चिक्कू जीजा आए हम यहाँ से खिसक लेते हैं। चलो हाँ चलो, हटो हटो, पहले मुझे देखने दो। बोल तो रही है ऐसे जैसे मुंह दिखाई में हीरा लाई है हीरा। अरे हीरा तो ये चुन के लाई है, कितनी सुंदर बहू लाई है, घर में उजाला कर दिया है उजाला।
मान गए भाई तुझे, बहुत खूबसूरत बहू लाई है। आंखें तो देखो बिल्कुल हिरण की तरह है। ए खबरदार मेरी बहू को नजर ना लगाना। चलो साइड हटो, साइड हटो। देखो भाभी को कितनी गर्मी लग रही है। चाची हटो ना, भाभी को कितना पसीना आ रहा है। और माँ तुमने यहाँ कहाँ बिठा दिया भाभी को? अरे इनकी जगह तो फूलों की सेज पर है, फूलों की सेज पर। अरे सारे कठे जा रहे हो, कठे भाग रहे हो मारे को छोड़ के। अरे मारे को भी साथ में लेके जाओ। अरे धोखा देके जा रहे हो मारे को। जाओ साले जाओ, मजे करो मजे करो। साली बीवी ने मिठाई लेने भेज दिया, मैं तो प्यास रह गयो। ये घर जमाई होना भी बहुत बड़ी मुसीबत है। भाभी ये दूध का ग्लास ख्याल से भैया को पिला देना, और हाँ खुद भी पी लेना। चलती हूँ। दीदी बैठो ना मेरे पास। अगर मैं यहाँ बैठ गई तो भैया क्या करेंगे? अब तो ये दरवाजा भैया ही खोलेंगे। अरे यार कम से कम एक पैक तो पी लेता यार। ना, बिल्कुल नहीं, आज तो एक घूंट भी नहीं। आज मेरी शादी की पहली रात है यार, तुम लोग तो समझते हो ना। लेकिन तू समझ गया ना, मैंने जो जो बताया उसे याद रखना, वरना तेरी बीवी तुझे कुछ और ना समझ ले। हेलो जी हाँ बाबू जी, जी हाँ फोन है यार तेरा। हेलो जी हाँ बाबू जी, बस बाबू जी मैं बस थोड़ी देर में पहुंचाऊ घर पे। जी हाँ भाई मैं तो चला, बाबू जी का फोन है घर से, बहुत चला रहे हैं। बाय बाबू जी या भाभी जी। तू जा, लेकिन समझ गया ना, वरना तेरी बीवी। ओके गुड नाइट एंजॉय। Oh!
चापो न शोष्यति मारुतः सूर्यचक्षर गच्छन्तु वात्मात्मा घम्मच गच्छ पृथ्वीं च धर्मणा अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हित मोज दिशु प्रतिष्ठा शरीर स्वाहा ओम घो शांति रक्षित गुण शांति पृथ्वी शांति राप शांति दोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्ववेद शांति ब्रह्म शांति सर्वे शांति शांति रेव शांति सा चलता हूं बाबूजी, मुझे यहां से ले चलिए बाबूजी, मुझे यहां से ले चलिए, मैं यहां नहीं रह पाऊंगी बाबू, मैं यहां नहीं रह पाऊंगी बाबूजी। हिम्मत रखो बेटी, हिम्मत रखो। माँ खाना खा ले। जा पहले उस करम जली को खाना दिया, कहीं मर मर आ गई तो क्रियाकर्म हम ही को करना पड़ेगा। सुना नहीं तूने? जा। मुझे भूख नहीं है दीदी। हाँ हाँ भूख कैसे होगी, मेरे भाई को खाकर पेट जो भर गए तेरा। अगर अभी ये खाना नहीं खाया तो सुबह यही खाना खाना पड़ेगा, समझी? खा लो सुलक्षणा, खा लो। तुम फिर वही सोचने लगी। मुझसे नहीं खाया जाएगा जी, मुझसे नहीं खाया जाएगा। ये कैसी दुनिया उजाड़ दी भगवान ने मेरे बच्चे के, कैसी दुनिया उजाड़ दी। Thank you.
हमारी दुनिया तो उजाड़ दी और खुद बनाओ श्रृंगार का सोच रही है। लाइडर अब ये तेरे किसी काम के नहीं, तुझे सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है, समझी? क्या है सब वो बाबूजी? अरे वो क्या लगा रखा है, जाओ इसे वापस देकर आओ। सुना नहीं? सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ इसे वापस देकर आओ। जी प्रसाद। अरे भाग्यवान प्रसाद है, अब ले भी लो। बाबूजी प्रसाद। अरे गुणी दोगी प्रसाद? ऐसे निकल आया करो बाहर कमरे से, मन बहला रहेगा। कलावती, कलावती क्या हुआ माँ? घर की नौकरानी मर गई है या उसके हाथों में कोढ़ की बीमारी हो गई है तो ये मनु इस रसोई में काम करने आ गई? इससे बोल इसी वक्त रसोई घर से दफा हो जाए और अपना मनुष्य चेहरा मुझे ना दिखाए। इसे देखते ही मेरा कलेजा फट जाता है और मेरा जवान बेटा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। अरे और ना परेशान कर हमें, जा उधर ही जाकर मरना अपने कमरे में, इधर आने की कोई जरूरत नहीं। कलावती निकाल इसे, निकाल। चल जा, निकल निकल यहां से, चल जा। ये आप लोग अच्छा कौन ही कर रहे हैं उसके साथ? क्या? नहीं वो क्या है कि वो आप लोगों के साथ घुलना मिलना चाहे और आप लोग। आप कौन होते हो इससे इतनी हमदर्दी जताने वाले? हमारे भाई को निकल जाने वाली से इतनी हमदर्दी क्यों? जाइए, आपको जाने में देरी नहीं हो रही। अरे जाइए। आए हैं बड़े। आप? नहीं नहीं बैठी बैठी रहो। मारे से तुम्हारा दर्द नहीं देखा जाता लच्ची। शायद तुमने सुना नहीं मैंने अपनी सासू मां और पत्नी को कितना डांटा। अरे वो दोनों तो है ही ऐसी। थारे से सच कहूं तो मैं खुद इस घर में शादी करके पछता रहा हूं। ना मारे को कलावती पसंद है और ना उसकी मां। पर तुम चिंता नहीं करना, मैं थारे लिए इन जालिमों से हमेशा लड़ता रहूंगा। बस मारे को अपना ही समझना। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं थारी हर इच्छा पूरी करूंगा। हैं? समझ गई ना? चलता हूं। और हां मैं बाजार जा रहा हूं, कुछ चाहिए? Oh.
कुंवर जी, खाना लगा दो था के वास्ते। नहीं, मैं बाहर से खा के आया हूँ। अच्छा सुन, सब लोग सो गए? हाँ जी, सब सो गए। तो जा, थैमी जाके सो जा। अच्छा जी। मैं पूछने आया था कि तुमने खाना वाना खा लिया? हाँ, मैंने खाया। आप जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? बस बस करो। कब तक अपने अंदर की तपिश को यूं ही दबाती रहोगी? ये तो तपिश को बुझाने की उम्र है। चले जाओ यहां से। ओहो, हम किसी से नहीं कहेंगे। ये कोई कहने की बातें थोड़ी ना हुए हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेगला जी, जितना रही है ना, उतना ही मैं भी आग में चल रहा हूं। अरे आग तो पानी से बुझ जावे है, पर वासना की आग सिर्फ आग से बुझे है। बुझाले आग। क्या बोले? तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो? तुम पागल होगी लच्ची? अरे जिस्म का मेलापन किसे दिखाई देगा है? सारे तेरी सफेद साड़ी ने देखेंगे। मान जा मारी बात, मान जा। सलाह कुंवर जी आए क्या? छोड़ मुझे बेरा, तू रख। क्या समझती अपने आप को? देख कलावती, देख पूछ इस बेशरम से। मारे को अपने कमरे में बुला के काय कर रही थी मारे साथ? पूछ इससे पूछ। बेशरम, बेहया, मेरे पति पे डोले डाल रही थी। आज तो मैं तेरा फैसला करके रहूंगी। चले कर, चल कमीने, मेरे पति पे डोले डाल रही थी। चल चल मार। बाबूजी, क्या हुआ, क्या बात है? अरे क्यों चिल्ला रही है इतनी रात को? बाबूजी, अब इस बेशरम बेहया ने नया खेल शुरू कर दिया इस घर में। कैसा खेल, क्या हुआ? अरे आप क्या मदारी का खेल देख रहे हैं? बताते क्यों नहीं क्या हुआ? बात यह है बाबूजी कि आज मैं देर से घर लौटा तो मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तो इसने मारे को इशारे से अपने कमरे में बुलाया। और ये झूठ है, झूठ है ये। झूठ? मैं नहीं, झूठ क्या बोल रही है बाबूजी? माजी, ये झूठ बोल रहा है। चुप। बस कुंवर जी, और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। मजूस, चलस, तेरा डायन का रूप तो मैं देख ही चुकी थी। मुझे नहीं पता था तेरा कोई और रूप भी है, छिनाल का रूप। बस अब एक शब्द भी आगे मत कहना। क्या समझ लिया है तुम लोगों ने मुझे? क्या समझ लिया है? ये इज्जत है तुम्हारी नजरों में घर की बहू की? एक पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद मैं ये सब कुछ खामोशी से सहती रही। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा जिन माँ बाप के कलेजे पर अपने जवान बेटे के मौत का पहाड़ टूट पड़ा, उन्हें मैं सहारा दूंगी, उनके बेटे की कमी को पूरा करूंगी। लेकिन उसका ये बदला दिया तुम लोगों ने। मैं बेहया बेशरम हूं,
मैं कुलटा हूँ, मनहूस हूँ, डायन हूँ, जो आते ही तुम्हारे बेटे को खा गई। अरे तुम लोगों ने तो बुढ़ापे में अपना बेटा खोया है, मगर मैंने मैंने तो भरी जवानी में अपना पति खो दिया। सिर्फ तुम्हारे ही कलेजे में आग नहीं लगी, मेरी भी दुनिया जली है, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ। और उस पर से तुम लोगों के जुल्म, इंसान हूं मैं, कोई जानवर नहीं हूं, समझे? जानवर नहीं हूं। बाबूजी, बहुत अच्छे हैं आप, मगर बड़े अभागे हैं जो आपको ऐसी पत्नी मिली, ऐसी नीच बेटी मिली और ऐसा पापी दामाद मिला। ये आज दिन के सांप है बाबूजी, बचकर रहना है सांप से। आज जिसने मुझ पर हवस का फन मारा है, मेरे यहां से चले जाने के बाद कहीं अपनी सास को हवस का निशाना ना बना ले। जा बेटी, अंदर जा। भूख लगी है। रुक जा, बाबूजी को आ जाने दे। अरे बेटी, तू भी खा। जी, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों, अभी खाओ। जी बाबूजी।
लज्जी। हाँ माँ। तेरे लिए ये है बेटी। अच्छा माँ। देखो पति को मरे एक महीना भी नहीं हुआ, ऐसे खेल रही है जैसे कुंवारी हो। अरे उसको क्या मालूम साधवा और विधवा में क्या फर्क होता है। शहर से आई है, सुना है लड़कियां शहर में जाकर बिगड़ जाती हैं। ना शर्म ना हया, पूरे मोहल्ले को बदनाम कर देगी ये लड़की। मुझे तो इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं लगते। अभी से ये हाल है, चैन से नहीं बैठेगी, यार घेरेगी यार। अच्छा अच्छा चल खेल। छोटू जसो ये कोई खेलने का समय है, जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो जाओ। लज्जी बेटी तू तो समझदार है ना। मैंने क्या किया माँ? देख बेटी हमारे लिए तो तू आज भी वही लज्जी है, पर दुनिया के लिए देख लोग कैसे देख रहे हैं। अपने आंगन में खेल रही हूँ माँ। बेटी ये आंगन तेरा ही है, लेकिन ये खेल अब तेरा नहीं रहा। दादी माँ आपके सर में तो बहुत जुए हैं। चल हट, पढ़ने को ना लिखने को। और तू मेरी टांग तोड़ देगी क्या? दीदी से तो दबा रही हूँ दादी माँ। खुश रहो बेटा, क्या हुआ वो लोग मिले? हाँ माँ मिले तो सही। अच्छा अच्छा, लड़का कैसा है? लड़के से तो भेंट नहीं हो पाई, सुना है किसी सरकारी दफ्तर में काम करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगली पूर्णिमा को अपनी जसवंती को देखने आएंगे, फिर बात पक्की होगी। अरे क्यों नहीं बात पक्की होगी, उनका लड़का राजकुमार है तो मेरी बेटी भी किसी राजकुमारी से कम थोड़े ही है। माँ क्या जस्सू की शादी तय हो रही है? तुम देखना माँ, मैं अपनी जस्सू को ऐसा सजाऊंगी कि लड़के वाले देखते रह जाएंगे। हाँ सुंदर लग रही है तू, देखना मैं तेरी शादी में खूब नाचूंगी खूब गाऊंगी। मेरी जस्सों की आएगी बारात, मगन मैं नाचूंगी। माँ देखो कितनी सुंदर लग रही है अपनी जस्सों। तुम देखना माँ, मैं अपने हाथों से जस्सों को सजाकर लड़के वालों के सामने लाऊंगी, लड़के वाले आंखें फाड़ कर देखते रह जाएंगे जस्सों को, और उनका ऐसा स्वागत करूंगी कि जिंदगी भर नाम लेंगे हमारा। माँ फूल बिछाऊंगी उनके कदमों में फूल, उनके स्वागत में किसी चीज की कोई कमी नहीं रखूंगी। हाँ जस्सो। जी माँ। जा बाहर जाके बाबूजी के हाथ में धुला। जी अच्छा। बेटी लज्जी। जी माँ। बेटी मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ। क्या माँ? बेटी जस्सो को देखने के लिए वो लोग जब आए तो तू उनके सामने मत आना बेटी। माँ चिंता मत करना माँ, उस दिन ये दरवाजा ही नहीं खुलेगा। कहाँ है वो महारानी?
हाँ जी नमो दीदी। ओह नमो दीदी। अरे कैसी हो बाबूजी? अरे नम्मू बेटी जीती रहो। कैसे हैं आप बाबूजी? मैं तो अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमिता दीदी। अरे कैसे हो? अच्छा हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। और हमारे लिए कुछ भी नहीं। अरे सॉरी। थैंक यू दीदी। दादी माँ, दादी माँ। खुश हो बेटा, कैसी हैं आप? अरे बेटा जिस दिए का तेल खत्म हो जाए उस दिए का हाल नहीं पूछते। दादी माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, लीजिए। अब हंसिए, हंसिए ना। अरे नम्मो बेटी तू अपने यहाँ आने की खबर कर देती तो मैं तुझे लेने स्टेशन नहीं आ जाता। बाबूजी जो मजा अचानक आने में है वो खबर दे के आने में कहाँ है। अरे नम्मो बेटी तू कब आई? माँ जी अरे बस अभी भी चली आ रही है। अब सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर खाली बात ही करते रहेंगे। देख नहीं रही हुई हमारी नम्मो बेटी कितनी दूर से चली आ रही है, थक गई होगी। जाके खाने पीने का इंतजाम। बाबूजी खाना पीना तो बाद में हो जाएगा, पहले आप ये मुझे बताइए कि लज्जी रानी कहाँ है। मैंने उसके ससुराल फोन किया था, मुझे बताया कि वो मैके चली आई है। शादी के बाद कितनी खिल गई होगी है ना। माँ जी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उसके लिए स्विट्जरलैंड की दो टिकटें ले आई हूँ उसकी हनीमून के लिए। कितने खुश होंगी ना दोनों देखकर। कहाँ है वो बाबूजी? अपने कमरे में होगी ना। देखिए आप कुछ मत बोलिए, मैं उसे जाके सरप्राइज दूंगी। ओके कौन? मैं तुम्हारा पतिदेव हूं, तुम्हें लेने आया हूं। अरे दरवाजा खोलती है कि नहीं? अपने पतिदेव को नहीं पहचानती क्या? मायके आके अपने पतिदेव को भूल गई है क्या? चल जल्दी से दरवाजा खोल वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। ए लज्जी मैं हूं नम्मो, दरवाजा खोल ना। अब देख यार इतना भाव क्यों खा रही है, चल जल्दी से दरवाजा खोल दे। प्लीज लज्जी, प्लीज मेरी जान खोल ना, खोल लज्जी। तूने जो किया ना वो बिल्कुल सही किया लज्जी, सच। अगर तू वहां से नहीं चली आती ना तो मैं तुझे वहां से निकाल कर ले आती। ब्लडी नॉनसेंस, मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं वहां जाके एक एक को सीधा करके आऊं। क्या समझते अपने आप को? क्या फॉरगेट इट। अब तू मुझे बता कि आगे का क्या सोचा है? सोचना क्या है, बस यूं ही जीना है। What? इस सफेद साड़ी में? Are you mad? अरे जिस आदमी के साथ तूने एक रात भी नहीं गुजारी उसके लिए तू? लेकिन नम्रता, ये नम्रता नम्रता क्या लगा रखा है? क्या चाहती है तू? क्या है तेरी गलती? क्या भूल की है तूने? क्या तेरी वजह से तेरा पति मर गया? क्या तूने उसकी जान ली? फिर क्यों क्यों तू ये सजा भुगतना चाहती है? क्यों? Damn it! पढ़ी लिखी होकर भी तू ऐसी बातें कर रही है, तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे लज्जी ये दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तू यहां बैठकर इस तरह की बातें कर रही है। हंसने से पहले तू समाज की मर्जी पूछेगी? हाँ सांस लेने से पहले तू दुनिया से पूछेगी क्या ये सही है या ये गलत? न अपनी मर्जी का खा सकती है ना अपनी मर्जी का पहन सकती है, ये कैसी जिंदगी है तेरे लिए? ये मैं नहीं दे सकती,
ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और हाँ, मैं तुझे बता दूं कि ये सब करके ना तू समाज पर कोई एहसान नहीं कर रही है, बल्कि मैं कहती हूँ कि तुझे अपने पति के साथ जिंदा नहीं जलाकर समाज ने तुझ पर एहसान किया है। और हाँ, मैं मर जाऊंगी मगर तुझे इस तरह नहीं जीने दूंगी। आई हेट दिस ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड, नफरत करती हूँ मैं इस तरह के समाज से। एंड आई विल नॉट लेट यू सफर लाइक दिस, अंडरस्टैंड? नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटा। अरे तुम जा रही हो बेटी? जी हाँ बाबूजी। बेटी थोड़े दिन और रुक जाती तो लज्जी का दिल भी बहल जाता। इसीलिए बाबूजी मैं लज्जी को अपने साथ ले जा रही हूँ। ये क्या कह रही है बेटी तू? बस मुझे आप दोनों की इजाजत चाहिए थी। तू हमसे उस चीज की इजाजत मांग रही है जो हमारी नहीं रही। और फिर बेटी अगर हम इजाजत दे भी दें तो क्या हमारा ये समाज इस बात को स्वीकार करेगा? ओफो बाबूजी, लज्जी समाज की बेटी नहीं है, आपकी बेटी है। कब तक आप समाज की दुहाई देते रहेंगे? अगर आप ये सब कुछ उसके साथ करना चाहते थे तो फिर उसे पढ़ाया लिखाया क्यों? क्यों उसे शहर भेजा? क्यों उसे दिखाया कि जिंदगी चीज क्या होती है? रहने देते आप उसे यहाँ? चढ़ने देते समाज की भेंट? और माँ जी, माँ जी किस समाज की पूजा कर रहे हैं आप? उस समाज की जिसके सारे कायदे कानून सिर्फ हम औरतों के लिए बनाए गए हैं? नहीं मानती मैं इस समाज को, ठुकराती हूँ इस समाज को बाबूजी। और हाँ, कुछ भी हो जाए मैं लज्जी को इस समाज की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। नमस्कार संधि जी। अरे संधि जी आप आइए आइए। जी वो क्या है कि मैं अपनी बहू को ले जाने के लिए आया हूँ। क्यों, आपकी नौकरानी भाग गई क्या? या गालियां देने के लिए आपको और कोई नहीं मिल रहा? क्या शायद आपके पड़ोसी आपको ताने मार रहे होंगे कि आपने अपनी बहू को जिंदा तो नहीं जला दिया? और हाँ, आपके लाडले दामाद नजर नहीं आ रहे हैं? मैं अपने दामाद, अपनी बेटी और अपनी पत्नी के किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। और हाँ, आइंदा आप लोगों को हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं। भूल जाइए कि लज्जी आपकी बहू है। और हाँ, आइंदा यहाँ आने का कष्ट कीजिएगा, क्योंकि आज से आपका लज्जी पर कोई अधिकार नहीं रहा। मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अब कुछ मत बोल। लेकिन बाबूजी आप कुछ मत बोल। बेटी बेटी अपनी लज्जी पर अब सिर्फ इन्हें का अधिकार है, सिर्फ इन्हें का। किसने दिया ये अधिकार? आए, किसने? तूने? ले जा बेटी ले जा, अपनी लाजों को ले जा यहाँ से। घुट घुट के जी रही है, अरे उसे खुली हवा में सांस तो लेने दो। खबरदार, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा और ना मेरे कोई आगे आएगा। अरे अरे ये सफेद साड़ी पहनने की उम्र मेरी है उसकी नहीं, रूखा सूखा खाने की उम्र मेरी है उसकी नहीं। ले जा बेटी ले जा। लज्जी लज्जी, जा बेटी जा।
सिस्टर। हाय हाय, नाइस टू सी यू। हाय कमला जी। हे माल्या, क्या हो रहा है, कैसे हो? ब्यूटीफुल। और नमो, हाउ इज माय मोस्ट ब्यूटीफुल मॉडल? आई एम फाइन, हाउ आर यू? कैसा दिख रहा हूँ भाई? वैसे तो अच्छे लग रहे हो, लेकिन बियर दिखाई दे रही है। अरे नमो, बियर पियेंगे तो दिखेगी तो सही ना? तो है। और वैसे भी हमें फिगर का क्या टेंशन? हम कोई मॉडल थोड़ी है तुम्हारी तरह। कम ऑन, सिट डाउन प्लीज। भाई नमो, जब से तुम्हारा नया कैंपेन मार्केट में रिलीज हुआ है ना, हंगामा हो गया है। रियली? हाँ, हर कंपनी को नमो ही चाहिए। अब बताओ, अगर हर कैंपेन नमो करेगी तो कितना काम करेगी नमो हमारी? अरे माल्या, काम तो मैं सब कर लूंगी, लेकिन अभी मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि आज से जो भी कैंपेन्स है ना, मैं सिर्फ विकी के साथ ही करूंगी। अंडरस्टैंड? ओके। और हाँ, अब इम्पोर्टेंट बात, ये है मेरी सहेली लज्जी। नमस्ते। तुम्हें याद है फोन पर मैंने नौकरी का रेफरेंस दिया था? अच्छा, यही। भाई इस काम के लिए तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम तुम्हारे हैं, ये ऑफिस तुम्हारा है। अपॉइंटमेंट लेटर खुद ही दे देती लज्जी को। थैंक्स माल्या। बाय द वे, व्हेन कैन यू जॉइन? आई कैन स्टार्ट टुमारो सर। आई लाइक दैट स्पिरिट नमो, दैट्स वेरी गुड। हेलो सूजी, कैन यू कम इनसाइड? अच्छा भाई नमो, क्या लोगी तुम? कुछ नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे स्टूडियो शूटिंग के लिए जाना है। तुम सारी फॉर्मेलिटीज इसके साथ पूरी कर लेना। ओके, मैं घर पे मिलती हूँ तुमसे। ऑलराइट, ओके, टेक केयर। थैंक्स माल्या, यू टेक केयर ऑफ हर। डोंट वरी, शी इज नॉट ओनली माय फ्रेंड, शी इज माय सिस्टर। आई एम काउंटिंग ऑन यू। ओके, अरे डोंट वरी एट ऑल माय डियर। अरे नंदिनी, तू अभी तक जाग रही है? आदत जो पड़ गई है। आई एम सो सॉरी मेरी बहना, मेरे कारण तुझे रोज रोज जागना पड़ता है। आई एम ऑल्सो सॉरी भैया, आपको रोज रोज मुझे जो सॉरी कहना पड़ता है। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे बहुत भूख लगी है, एक काम कर, खाना गरम कर, मुझे बहुत नींद भी आ रही है। वहीं सो जाया करो क्रॉस मैदान में, घर में आने में तो बड़ी तकलीफ होती होगी तुम्हें। हाँ, अरे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम शर्म तो कर लो। कुछ नहीं रखा इस मदारी के खेल में, चले हैं समाज को सुधारने। वाह, बड़े समाज सुधारक बने हैं। दिन भर आवारा लड़कों के साथ आवारागर्दी करना, क्रॉस मैदान में बैठकर राजनीति पर बकवास किया करना, और फिर ऊपर से प्राइम मिनिस्टर पर नुक्ताचीनी, चीफ मिनिस्टर को काम सिखाना। अरे वाह, काम सिखाने जाने, खुद तो कुछ आता नहीं है। अरे मैंने अपनी कमाई से जो तुम्हें पढ़ाया लिखाया है उसका कुछ फायदा तो उठा लो। इतना बड़ा कारोबार जो मैंने फैलाया है उसको संभालने की कोशिश करो, वरना भूखे मर जाओगे। हाँ, और ये सब तुम्हारे प्यार का नतीजा है। ये जाइए, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हैं? खाना गर्म करके अपने लाडले को खिलाइए, वरना तुम्हारा भाई ठंडा खाना खाएगा ना तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा। हाँ, जाइए जाइए, अपने लाडले को गले लगाइए। ये सब रोज रोज अच्छा लगता है तुझे? अच्छा लगता है माँ, बहुत अच्छा लगता है। अरे पापा कितने नेचुरल तरीके से डायलॉग बोलते हैं, है ना? देखना माँ, अगले प्ले में मैं बाप का रोल करूंगा और हू बहू पापा की नकल करूंगा, बड़ा मजा आएगा। चल शैतान कहीं का, चल खाना खा ले। भाई साहब जरा मेरी तरफ से ये चढ़ा दीजिए। हाँ प्लीज प्लीज, माफ करना भगवान, एक्सक्यूज मी। अरे इतने दिनों से कहाँ थी आप? कल भी आप मिली तो अचानक चली गई। आपको याद है उस दिन बस में आपने मेरे लिए टिकट के पैसे दिए थे? ये लीजिए ₹5, लीजिए ना। थैंक यू, इट्स ऑल राइट। बाय द वे मेरा नाम राहुल है, आपका नाम? अच्छा ही होगा, आप जो इतनी अच्छी हैं। लगता है आपको प्लेस देखने का बहुत शौक है, हमारी मुलाकातें प्लेज में ही होती है। अच्छा, जिंदगी में कोई ना कोई शौक होना ही चाहिए। नेक्स्ट वीक हम लोग एक नया प्ले शुरू करने जा रहे हैं, आप देखिएगा जरूर। अरे मैं तो कहता हूँ आप रोज रिहर्सल में आया कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। आपको बताया? अरे बेटा, टॉपिक क्या है? बेटा तुम ही हो ना वो एड्स वाले? एड्स? मेरा मतलब है नुक्कड़ नाटक करते हो ना तुम। ओ, हाँ हाँ हाँ। बेटा कमाल कर दिया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा, गुड डायलॉग, गुड एक्शन, गुड डायरेक्शन। थैंक यू, मैं जरा जल्दी में हूँ।
फिर कभी बैठकर आराम से बातें करेंगे। बेटा किसी दिन मेरे साथ बैठो, ऐसे ऐसे टॉपिक दूंगा हंगामा हो जाएगा। अच्छा काम कीजिए, ये मेरा कार्ड रखिए, फोन करके आइएगा, ठीक है? हाय लज्जी। हाय, हाउ आर यू? How are you? Can I come in? Ah, लेकिन आप? Wow, good house, huh? मगर आप? AC is working? Yes, it's working. Oh, it's so hot. लेकिन आप? Can I have chilled water, please? Yeah, sure. लेकिन आप हैं कौन? Wait, wait. Would you like to have some soft drink or water? No, thank you. Problem. मगर आप? Wait, wait. और आप हैं कौन? राहुल, राहुल वर्मा. लेकिन? In fact, मुझे आप ही से कुछ काम था. मुझसे काम था? लेकिन क्यों? राहुल? Can I sit? Sure. Thank you. Can I have one cigarette? Only one. For me only. Thank you. Welcome. ऐसे शुरुआत करूं? 631015. क्या? I have seen your ad. Cadbury. क्या परफॉर्मेंस दी थी आपने? कुछ बात है. I'm sorry, लेकिन वो ad मेरी नहीं थी. आपकी नहीं थी? नहीं. तो शैंपू की कितनी खूबसूरत लग रही थी आप. सॉरी, लेकिन मैंने आज तक कोई शैम्पू की ऐड नहीं की. वो भी नहीं की? तो प्यार तो किया होगा ना मैडम. ये क्या कर रहे हो? पहले नुक्कड़, फिर मार्केट, फिर बस, फिर मंदिर, फिर नारियल पानी वाला, फिर मुलाकात. सीधे उतर गई दिल में मेरे. उसकी सादगी, उसका भोलापन, मोटी मोटी आंखें, लंबे लंबे बाल. सपोज मैं आपसे प्यार करता हूँ. व्हाट डू यू मीन? मैं लगातार आपका पीछा कर रहा हूँ. वो तो मैं देख ही रही हूँ. तो आप समझ नहीं जाएंगी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? क्या बोलना जरूरी है? आई लव यू. नहीं नहीं, बोलना जरूरी नहीं है. लजी, लजी, लजी. चाहिए मैडम, चाहिए. हेलो, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि चाय पीता. मार्केट, नारियल, ऑफिस, मंदिर, घर, दिल. बाय. बाय. Just think about me. My job. Yeah. कुछ बात है. Yes. यही है right choice, baby. आहा. क्या हुआ? बड़ी खुश लग रही है. हाँ. क्या बात है? अरे खुशी की तो बात है. अरे क्या लड़का ढूंढा है तूने? Congratulations. मैं तो तेरी चॉइस मान गई. अरे कितना हैंडसम था. कितना कॉन्फिडेंट था. मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे बरसों से जानती हूँ.
उससे बात करने के बाद मुझे कितना अपनापन महसूस हो रहा था। ए, किसकी बात कर रही है तू? ओ, उसकी? छोड़ यार। अरे लज्जी, तुझे कैसे छोड़ूंगी मैं? चला बैठ यहाँ मेरे साथ। ओह लज्जी, तू मेरी एक बात मान ले। क्या? तू अपना घर बसा ले। तुझे कभी कभी ऐसा नहीं लगता जैसे हमारी जिंदगी बिल्कुल मोनोटोनस हो गई है, जैसे ठहर गई है, कुछ नयापन नहीं रहा? वही सुबह को जाना, शाम को वापस आना, कोई इंतजार करने वाला नहीं हमारा, न हमारे साथ कोई रोने वाला, न कोई हंसने वाला। नम्मो, अगर तुझे जिंदगी अधूरी से लगती है, तुझे एक नया चेंज चाहिए, तो तू उसे पूरा क्यों नहीं कर लेती? मुझे कह रही है शादी करने के लिए, तू विकी से शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी? शादी और ये? तुम भी कभी कभी अच्छा मजाक कर लेती हो लज्जी। अरे क्यों सता रही हो बेचारी को? अरे देखते नहीं कैसे शादी के नाम से इसका चेहरा उतर जाता है। What do you mean, विकी? Yes, नमो, I am absolutely right. तुम्हें हमेशा शादी के नाम से नफरत रही है, इसलिए तुम शादी से इनकार करती रही। मेरे माँ बाप मुझे लड़कियां दिखा दिखा कर थक गए, और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारी एक हाँ, सिर्फ एक हाँ का इंतजार करता रहा। बिना शादी के मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? हाँ, वो कौन सी कमी है जो मैंने पूरी नहीं की? अरे तुम क्या थे विकी, और मैंने तुम्हें क्या बना दिया? खिलौना बना दिया तुमने मुझे। शट अप विकी, जस्ट शट अप। यू शट अप। कब तक खामोश करती रहोगी, कब तक चिल्लाती रहोगी, कब तक? गुलाम हूं मैं तुम्हारा, सर्वेंट हूं। विकी प्लीज, आज मुझे मत रोको लजी। पूछो इससे कि इसका और मेरा क्या रिश्ता है। अगर ये समाज, ये सोसाइटी, इस बिल्डिंग के लोग इससे पूछेंगे कि विकी तुम्हारा क्या लगता है, तो क्या जवाब देगी ये लोगों को? अरे लोगों की ऐसी की तस्दीक। माइंड योर लैंग्वेज, आई एम नॉट अ प्लेबॉय, अंडरस्टैंड? अगर मैं तुम्हें एक्सप्लॉइट करना चाहता तो कब का करके जा चुका होता। तुम्हारे जैसी कई नम्रताएं मिल जाती मुझे, मगर नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया है, सच्चा प्यार। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ शांति। इस चार दीवारी को मैं अपना घर बनाना चाहता हूं, कोई होटल या लॉज नहीं कि रात को आए और सुबह चल दिए। तुम्हें मैं अपनी बीवी बनाना चाहता हूं, अपनी हवस की आग बुझाने की मशीन नहीं। शर्म आती है मुझे जो मैं सुबह तैयार होकर जाता हूं, ऐसा लगता है जैसे किसी तवाइफ के कोठे पर रात बिता कर जा रहा हूं। इस बिल्डिंग के वॉचमैन, इस बिल्डिंग के माली मुझे इस नजर से देखते हैं कि शर्म से मेरा सर झुक जाता है। तुमने कभी मेरे प्यार, मेरे जज्बात को समझा ही नहीं, लेकिन एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि हमारे समाज में एक लड़की की शादी कितनी अहमियत रखती है। मगर अफसोस, तब तक तुम अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती खो चुकी होगी। तरसोगी शादी के लिए, लेकिन फिर तुम्हारा हाथ थामने वाला कोई नहीं होगा, शायद विकी भी नहीं। अचानक आ गए, कोनो फोन नहीं, कोनो खबर नहीं। हाँ काका, लेकिन मम्मी और पापा कहाँ हैं? वे बाहर गए बिटिया, शाम तक आ जाएंगे।
काका आज मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, इसीलिए मैं हॉस्टल से सीधे घर आ गई। अच्छा? हाँ काका, मम्मी और पापा के आने से पहले मुझे उन्हें सरप्राइज देना है। कम ऑन काका। चलो। काका लगता है मम्मी और पापा आ गए। पापा आज मैं बहुत बाय डार्लिंग बाय। अरे मैडम को घर छोड़ गया, जाओ। बाय डार्लिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अरे नमो बेटी, तू कहाँ भाई? पापा मम्मी कहाँ है? बेटी तू थक गई होगी, खाना खा के सो जा, हाँ? हम सुबह बात करेंगे, सो जा। पापा मम्मी कहाँ है? मैंने कहा ना सुबह बात करेंगे। रामपाल जी मालिक, बेबी के लिए खाना तैयार करो। जी मालिक, जल्दी। जी नमो, मेरी बच्ची अचानक। हाउ आर यू माय डार्लिंग? डोंट टच मी। नमो बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? तेरे पापा ने तुझसे कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा इसे, अपनी माँ की बेहयाई देखी नहीं गई इससे। हाँ हाँ मैं बेहया हूँ, लेकिन तुम क्या हो? तुम तो नीच हो, नीच। Shut up, you shut up। ये जो भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे मजबूर किया। अगर इस घर के दरवाजे तक तुम 16 साल की लड़कियां ला सकते हो तो क्या मुझे जवान लड़के नहीं मिल सकते? हुँ? और आजकल मैं ऐसे लड़कों के साथ घूम। तुमने मुझे मारा, मुझे मारा। हाँ मारा, मुझे मारा तुमने। मैं कल के कल तुझे तलाक दूंगा। अरे तू क्या मुझे तलाक देगा, मैं खुद तुझे अपनी जिंदगी से लात मारती हूँ। वाह, आप लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया। अगर ऐसा ही करना था तो क्यों किया आपने शादी? क्यों किया मुझे पैदा? क्यों नहीं सोचा मेरे बारे में? नहीं चाहिए मुझे ऐसे माँ बाप, नहीं चाहिए मुझे ऐसे माँ बाप। अच्छा लजी, मैं चलता हूँ। विकी प्लीज डोंट गो, उसकी हालत तो देखो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। थोड़ी देर तो क्या, अब मैं शायद यहाँ कभी ना आऊँ। नहीं विकी प्लीज, सोच समझ कर फैसला करो। सोच लिया मैंने, सोच लिया है। विकी अब तक नाराज हो मुझसे? एक ही तो कंधा है मेरा, अगर वो भी
अगर आज से कोई तुमसे सवाल करे तो कहना ये घर तुम्हारा है और नम्रता वो तुम्हारी पत्नी है। नमो, आई लव यू, आई लव यू नमो। आई एम सॉरी विकी। जाने में मुझसे ये गलती हो गई, लेकिन आज मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। लज्जी,
मैं तुम्हें चाहने लगा, तुमसे प्यार करने लगा हूं, और मुझे यह पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इजहार नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हां का इंतजार करूंगा। I'll wait. सुपर्ब कॉन्सेप्ट। नमो, तुमको हमारा आइडिया कैसा लगा? देखो, फाइव स्टार होटल के बंद कमरे में हनीमून सब लोग मनाते हैं, लेकिन इस तरह खुले में इतनी खूबसूरत जगह में हनीमून मनाना तुमको जिंदगी भर याद रहेगा। जितनी पीनी है पियो, और गधे के माफिक लौटने के लिए पूरा मैदान खाली है। इस बात पे ना मुझे एक जोक याद आया, मैं सुनाऊं? अबे तू किसी जोक से कम है क्या? प्लीज हाँ, प्लीज, वरना मैं चला जाऊंगा। हाँ, अरे जानता है इस इलाके में शेर घूमता है? वो थोड़ी मुझे खाएगा, वो तो मुझे देख के मुस्कुरा देगा। मोचू हाय हाय, तो शेर भी तेरे बारे में जानता है क्या? प्लीज हाँ, प्लीज, मैं सच में चाह रहा हूँ। हाँ छोड़ ये मेरा हनीमून है, तेरा नहीं, समझे? डियर फ्रेंड्स, आज की इस एक्साइटिंग और रोमांटिक नाइट को और सुंदर बनाने के लिए हम में से हर कोई अपने दिल की गहराइयों में से एक रोमांटिक गाना गाएगा। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, कभी मेरे दिल में ख्याल जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया। वेट, ये दोनों कहाँ गए? अबे कहाँ गए वो बेवकूफ, वो हनीमून मनाने गए हैं, और तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुम सब भी चलो मेरे साथ चलो, क्योंकि तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, नहीं बनती। लच्छी, मैं तुम्हें चाहने लगा, तुमसे प्यार करने लगा, और मुझे यह भी पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इजहार नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हां का इंतजार करूंगा। I'll wait.
कभी दिल मुस्कुराता है, कभी मायूस होता है, कभी दिल मुस्कुराता है, कभी मायूस होता है। मेरा गम और खुशी तू है, मुझे महसूस होता है। कुछ एहसास होता है, न हलचल है कोई दिल में, न कुछ एहसास होता है। मैं खुद से दूर आती हूँ, कोई जब पास होता है। नई दुनिया बसा लूंगा, ख्यालों में मोहब्बत की नई दुनिया बसा लूंगा। जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे अपना बना लूंगा। मुझे महसूस होता है, आ आ आ, कभी दिल मुस्कुराता है, कभी मायूस होता है, कभी दिल मुस्कुराता है, कभी मायूस होता है। मेरा हम और खुशी तू है, मुझे महसूस होता है। न हलचल है
कुछ एहसास होता है, मैं खुद से दूर होती हूँ, कोई जब पास होता है। क्या हुआ, क्या हुआ लज्जी? प्लीज लीव मी, जस्ट लीव मी अलोन। लज्जी लीव मी अलोन, मेरी बात तो सुनो। लज्जी मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूं तुम दूर चली जाती हो, ऐसा क्यों? क्या तुम मुझे नहीं चाहती? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या मैं इतना बुरा हूं कि तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं? बोलो लज्जी, बोलो, आखिर ऐसी क्या कमी है मुझमें? कमी तुम में नहीं है राहुल, कमी मुझ में है। मेरे बारे में तुम, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना। तुम जो भी हो, किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी परिवार से तुम्हारा ताल्लुक हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है लज्जी। बात जात मजहब या परिवार की नहीं है राहुल, बात है जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई की, और वो कड़वी सच्चाई ये है कि मैं विधवा हूं। कुछ दिनों पहले मेरी शादी हुई थी और लड़कियों की तरह मैं भी दुल्हन बनी थी। हल्दी लगी, मेहंदी लगी, बारात आई, फेरे हुए, सुबह में विदा हुई और रात को विधवा हो गई। जितने प्यार से मुझे दुल्हन बनाया गया, उतने ही बेदर्दी से एक एक जेवर नोच कर सजी सजाई दुल्हन को उजाड़ दिया गया। मगर हाँ राहुल, कुछ लड़कियां बड़े गर्व से कहती हैं मेरे तन को किसी गैर ने नहीं छुआ, पर मेरा दुर्भाग्य देखो, मेरे तन को तो अपने ने भी नहीं छुआ। जब भी तुमने मेरे करीब आना चाहा, मेरे कदम पीछे हटते चले गए क्योंकि मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। अरे आप यहां? असलियत सामने आ गई तो दुम दबाकर भाग गया। हां इतना छोटा था तेरा प्यार कि उसकी हकीकत के सामने दब गया। मुझे पहले नहीं पता था कि वो विधवा है, और मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब देता? अपने माँ बाप से पूछकर प्यार करने गया था क्या? हाँ उस दिन जब तेरे जज्बात भड़के थे, जब तूने मेरी लड़की को छुआ था, उस दिन तुझे इस खानदान का कोई ख्याल नहीं आया? बड़ा मर्द समझता है अपने आप को। अरे वो लड़की नेक है, उसके मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच तेरे सामने खोल कर रख दिया। सिर्फ इसीलिए कि वो अपना गम तेरे साथ बांटना चाहती थी, सिर्फ इसीलिए कि वो तुझे धोखे में नहीं रखना चाहती थी, और तूने उसके प्यार का ये सिला दिया। साले खुद कर्ज मर्ज, एक विधवा के साथ रात गुजारने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी बिताने के लिए कोई सामने नहीं आता, कोई नहीं। लेकिन नमो मैं... अरे चल बात मत कर, ये जो तू सड़कों पे करता फिरता है ना ड्रामेबाजी, सारी दुनिया को सिखाता है। अरे पहले खुद तो सीख, तू क्या किसी विधवा से शादी करेगा? जा, जा किसी ऐसी लड़की से शादी कर जो कुंवारी है, और शादी की रात उससे जरूर पूछना कि उसने शादी से पहले किसी के साथ रात बिताई है या नहीं, और अगर रातें बिताई है ना तो फिर भी उसका जवाब ना ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये जो भगवान है ना, ये लाखों में सिर्फ एक लज्जी बनाता है, सिर्फ एक। Don't try to teach me. एक विधवा को इस घर की बहू बनाकर समाज और सोसाइटी के सामने मेरी इज्जत के चिथड़े उड़ा देना चाहते हो?
इस घर की मान मर्यादा को अपने पैरों तले कुचल देना चाहते हो तो? साहबजादे, ये इज्जत मैंने एक दिन में नहीं कमाई है, बरसों लगे हैं बरसों इस मकाम तक पहुंचने के लिए। खेल तमाशा करते करते नुक्कड़ों पर तुम्हारी जिंदगी खुद एक तमाशा बनकर रह गई है। जानते हो तुम्हारी इस बेहूदा हरकत से क्या होगा? जानते हो तुम्हारी बहन का रिश्तेदार आने वाले इस दर से वापस लौट जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे, और तुम्हारी बहन हमेशा हमेशा। पापा, भगवान ना करे शादी के बाद आपकी बेटी के साथ भी ऐसा कोई हादसा हो जाए तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि दोबारा आपकी बेटी का कोई हाथ था? अपने ये गंदे ख्याल नौटंकी में जाकर उन लोगों को सुनाओ जो फुटपाथ पर खड़े होकर तुम्हारी बकवास सुनकर अपना वक्त खराब करते हैं। मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक मिनट कीमती है, कीमती। इसलिए मैं तुम्हें कम शब्दों में और थोड़े वक्त में एक बात बता देना चाहता हूं कि इस घर के अंदर कोई विधवा बहू बनकर नहीं आएगी, समझे? मैं अब क्या लेने आए हो? सब कुछ तो खत्म हो गया, चले जाओ, बस चले जाओ यहाँ से। नमो प्लीज, नमो प्लीज, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से लज्जी को जो दुख पहुंचा है, जो तकलीफ हुई है, उसके बदले में तुम जो चाहो वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे, जो इंसान खुद समाज की जंजीरों में कैद है उसे कोई क्या सजा देगा? समाज की जंजीरें तो कुछ भी नहीं है नम्मो, मैं तो रिश्तों की जंजीरें तोड़कर आया हूं, अपने माँ बाप को छोड़कर आया हूं मैं। क्या नम्मो, तुम इसे मेरी कमजोरी कह लो या बुजदिली, जो मैं लज्जी की भावनाओं को समझ नहीं सका, हकीकत का सामना नहीं कर सका। नम्मो, मैं लज्जी को अपनाने आया हूं, अब ना मुझे किसी की परवाह है ना डर, बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं लज्जी से ही शादी करूंगा। और मैं जानता हूं कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो नम्मो, सिर्फ तुम, प्लीज प्लीज नम्मो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे, मैं तो तुझे डरपोक समझती थी, लेकिन तू तो बड़ा दिल वाला निकला रे। बिल्कुल मेरी तरह। गुड, कीप इट अप। लेकिन बेटे, अभी झुक गए तो झुक गए, शादी के बाद मत झुकना। अरे, जाकर दुल्हन को लेकर आओ, यही फेरे लगवा देते। हाँ, मैं लड़के वाला और तुम लड़की वाली। लज्जी की शादी क्या ऐसे ही हो जाएगी? अरे, उसकी शादी के लिए तो मैं इस घर को दुल्हन की तरह सजाऊंगी। उसकी शादी मैं इतनी धूमधाम से करूंगी कि तकदीर ने जो उसके साथ खेल खेला है ना, वो तकदीर भी शर्मिंदा हो जाएगी। विकी विकी, स्विट्जरलैंड की टिकटें कैंसिल नहीं होंगी, सिर्फ सिर्फ तारीख बदल जाएगी, सिर्फ तारीख। मैं अभी आती हूँ, आई जस्ट बी बैक। या लज्जी, लज्जी क्या कर रही है? उठ, काम पे जा रही हूँ। चल, अरे सवाल मत कर, आज मैं तुझे सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? हाँ, एक मिनट, अरे आंखें बंद रख, चल चल चुपचाप। आज मैं तुझे ऐसा सरप्राइज दूंगी ना कि तू बस देखती रह जाएगी। क्या कर रही है तू? इतना मत। कौन है? हाँ, आंखें बंद रख। अभी जब मैं कहूँ तब खोलना। हाँ, ओके ओके, रेडी। देख लीजिए, राहुल आया है, अपना घर बार माँ बाप सब कुछ छोड़ के तुझे अपनाने आया है। लज्जी, वो तुझसे शादी करना चाहता है। मेरी बहन, मैं आज कितनी खुश हूं, मैं बयान नहीं कर सकती।
तेरी पहली शादी मेरे लिए सिर्फ एक खुशी थी, लेकिन ये शादी मेरा अरमान है, मेरा सपना है। मैं इसी वक्त बाबूजी, माँ जी, दादी माँ सबको फोन करके ये खबर सुनाऊंगी। वो तो देखना वो कितने खुश होंगे। लज्जी वो कितने खुश होंगे। कितने अच्छे हो तुम मेरे लिए। तुम अपना घर बार, माँ बाप सब छोड़ाए। मैंने तो कभी किसी से इतने प्यार की तमन्ना नहीं की थी, ना मुझे उम्मीद थी। ये मेरी खुशनसीबी नहीं तो और क्या है। राहुल, इतना प्यार मत करो मुझसे, मैं तुम्हारा ये प्यार संभाल नहीं पाऊंगी। मुझे इस बात की खुशी है राहुल कि देर से ही सही तुमने अपना इरादा तो बदला, लेकिन मैंने उसी वक्त अपना इरादा बदल दिया था जब तुम मुझे अकेली छोड़कर चले गए। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लज्जी, ये तू क्या कह रही है? लज्जी, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। You're right, विकी, ये मेरी जिंदगी का ही सवाल है, क्योंकि ये प्यार नहीं है विकी। प्यार तो राहुल ने मुझसे उस वक्त किया था, दिल हो जाता। और फिर मुझे ऐसा लगता है राहुल, मुझसे ज्यादा तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की जरूरत है। लज्जी, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है?